हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम की सिटीज की अपडेट के बारे में कि कहां कहां पर बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। देन साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में और बात करूंगा वीडियो की एंडिंग में एक मैसेज के बारे में जो कि मुंबई के लोगों के लिए है और मेरे लिए भी। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, फाइनली ब्लैक एडम का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है जो कि टोटल फिल्म मैगजीन ने रिलीज करा है और देन लुक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है और सूट तो कमाल का लग रहा है। देन उसी के साथ स्टार वॉर्स का बोबा फेट जो कि न्यू सीरीज आ रही है इसका भी फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है और आपको बता दूं कि ये सीरीज हिंदी तमिल तेलुगु में भी रिलीज होगी। देन उसी के साथ डीसी फैंस के लिए खुशखबरी है कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का फाइनली शूटिंग फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और देन इसका एक छोटा सा वीडियो भी रिलीज करा गया था जिसमें कि कंफर्म कर दिया था। देन उसी के साथ काय बॉय का सीजन 1 के बाद सीजन 2 कैंसिल कर दिया नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली, इसका कोई भी सेकंड सीजन नहीं आएगा, इज अ बैड न्यूज। देन उसी के साथ गेम लवर के लिए गुड न्यूज है कि वंडर वुमन के ऊपर एक ऑफिशियली गेम बनाई जा रही है, इसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है और द सुसाइड स्क्वाड के ऊपर भी गेम बनाई गई है, उसका भी लुक रिलीज कर दिया गया है। उसी के साथ नेटफ्लिक्स की एक्सट्रैक्शन 2 का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है जिसमें कि क्रिस हेम्सवर्थ बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। उसी के साथ हेनली कैविल जो कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो इस टाइम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब डीसी की तरफ से कॉल आए, वॉर्नर वर्सेस की तरफ से कॉल आए और वो सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करें। देन उसी के साथ टोटल फिल्म मैगजीन ने बीच में ही डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट, थॉर एंड ब्लैक पैंथर के फर्स्ट लुक भी रिलीज करें जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। उसी के साथ ऑफिशियली 8 शो रिलीज करे गए थे, पोस्टर रिलीज करे गए थे स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटिव, बाकी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हैं। देन उसी के साथ आज के दिन कोबरा काई सीजन 4 का ऑफिशियली फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का, हिंदी में ट्रेलर आ चुका है, जाके चेकआउट करो। बॉयज सीजन 3 का ब्लू हॉक का फर्स्ट लुक रिलीज कर देगा, सूट काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, बस सीरीज का इंतजार है कि कब रिलीज होगी। देन उसी के साथ हिंदी ट्रेलर का भी सोनिक हेडहॉग 2 का आज के दिन ही ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्रेलर है और देन एंडिंग का सीन तो हिला देने वाला। चलिए बात करते हैं सिटीज के अपडेट के बारे में। तो फाइनली हैदराबाद में शूट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसी के साथ जल्दी से टिकट बिक रही हैं, देन आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बुक कर लेना। देन उसी के साथ चेन्नई और केरला में भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जाके जाओ, ठीक है, तुरंत बुकिंग करो क्योंकि भाई टिकट नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो मूवी लगी है वो है कोची में, तो कोची में जितने भी थिएटर हैं सब में मूवी लगी है और मैंने हर जगह जाके देखा भाई, सब जगह बुकिंग है एडवांस में, जी हाँ, तो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, जल्दी जाके बुकिंग करो। और उसी के साथ स्पाइडरमैन फैन इवेंट से रिलेटेड अपडेट ये है कि भाई मैं जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है, आप लोगों से भी मिलूंगा और इस इवेंट को भी ज्वाइन करूंगा, तो अभी तक टिकट नहीं मिल पाई है मुझे। और देन जो मुंबई के लोग हैं प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, ठीक है, फिर भी मैं आपको उसी मॉल में मिलूंगा जिस मॉल में ये इवेंट होने वाला है। कॉन्टैक्ट करना, स्टोरी पर डाल दूंगा और सारे अपडेट इंस्टाग्राम पर ही देते रहूँगा, पर आज से कोई वीडियो भी नहीं आएगा क्योंकि पूरे दिन मेरा मुंबई में निकलेगा 4-5 दिन तक। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और मुंबई वालों को तो ज़्यादा शेयर करना क्योंकि भाई मैं मुंबई आ रहा हूँ। और देन गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं 15 तारीख को मुंबई और शायद होपफुली छोटे छोटे आपको सीन दिखा सकूं उस इवेंट के पूरे पूरे, वो भी लाइव। तो चलिए मिलते हैं मुंबई को 15 तारीख को और शायद 15 तारीख को लाइव ही करूंगा मैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।